यहाँ पर नेपाली प्रहरी नेपाली मामा का गाड़ी खड़ा है रमुआपुर, 1 किलोमीटर बाकी है बॉयज यहाँ से रमुआपुर। एंड इससे हमें ब्लॉगिंग कर सम पुलिस अंकल बोल रहे थे स्कॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं स्कॉर्ट क्या बोलते स्कॉर्ट मतलब तुम लोगों के पीछे आना पड़ेगा। बॉयज हम लोगों का ये लगा है ना देखो आगे बैनर, इसलिए बहुत खतरा रिएक्शन आ रहा है वहाँ से, सब लोग देख रहे हैं। ओए वारिया ना बाहर आए पड़े बेटा तुम, तूफान है आने वाला। अरे 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 बाप ले, स्टेट फ्रॉम कपिल वस्तु, छोटा सा बच्चा नहीं मैं बन जाऊं तेरा सलाहकार। हजर अंकल वीडियो में मीडिया वाला हो गई क्या? हजर मीडिया वाला हूं, देख के आप सबसे बड़ा खुशी लगा। नमस्कार नमस्कार अंकल, कहां से आल जाता आप सब? हम लोग तौलिहवा से आन कपिल वस्तु और हम लोग के रूपनदेही मीडिया चैनल वाले हैं। हजूर अंकल हजूर चैनल सत्य खबर चैनल टीवी में बने आऊँ, टीवी पे अब हम लोग आएंगे। अंकल 5,000 को पेट्रोल हाल देना साइकिल में। लेट्स बूम बैंगर्स एजान दे बेस्ट का सदन। हेलो फैमिली, राधे कृष्णा, कैसे हो सभी? दिस इज योर डिसेंट बॉय दिव्यांश, आप डी के पलटन देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश का शो देन। हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, अभी मॉर्निंग का बज रहा है 6:19। एंड मेरे साथ में आ चुका है हमारा साइकिलिस्ट भाई हर्षदीप कसौदन, जिसके साथ में हम लोग ये ट्रिप करने वाले हैं। लुक एट दिस, हेलो बॉय। सो आप लोग देख लो, प्रिपरेशन हो गया है, इसको लगा लिए हैं। ये वाला आइडिया हर्षदीप भाई खुद कल रात को हम लोग इसको छपवा के लाए हैं, भाई ने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं हम लोग। एंड यस, हम लोगों को एक साइकिल दिए हैं विवेक श्रेष्ठ, सो थैंक यू सो मच, दिल से मोहब्बत है भाई को, साइकिल दे दिया। जैसे ही उसको मैंने बोला कि 90 किलोमीटर हम लोग साइकिल ट्रिप करने वाले हैं तो तुरंत ही अपना साइकिल दे दिया है। सो आप लोग ये पूरा लास्ट टाइम वीडियो देखना, एंड पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग बनने वाला है। लेट्स बूम बैंगर्स, बैग वर्क एकदम लल्लन टॉप पैक है भाई, नेपाल का झंडा ये लो। स्टिक नहीं लाया ना बॉय, स्टिक बोल गया। देख लो ये एक मेरा साइकिल है, मतलब एक शोम का साइकिल, एक भाई का साइकिल और एक वो साइकिल विवेक श्रेष्ठ का। गणपति बप्पा मोरिया भाई, 90 किलोमीटर का ट्रिप होने वाला है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय श्री राम बॉय। सुबह सुबह हम तीनों लोग निकल दिए हैं और पूरा मोहल्ला एकदम सब जगह सन्नाटा उन्नाटा है भाई, ऐसे टाइम में निकले हैं कि हाँ आते हुए भी मतलब साइकिल से ही आना है, तभी तो 90 किलोमीटर पूरा होगा यार। चीटिंग नहीं करना है, गद्दारी नहीं करना है, वो है हम लोग को असली बनना है। बॉयज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोग बता दें कि ये वाला ट्रिप किसी का देखा देखी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना किसी का कॉपी कर रहे हैं। ये भाई साइकिलिस्ट है हर्षदीप, बहुत दिन पहले से मुझे बोला था चला जाएगा हम लोग ट्रिप पे। आप लोगों को जैसा पता है कि एक साइकिलिस्ट गद्दारी कर दिया है तो हर साइकिलिस्ट गद्दार नहीं होता है, ये भाई दोस्त है, फुल सपोर्ट करता है यार मेरे को, एकदम दिल से मोहब्बत देता है। तो भाई के साथ मैं जा रहा हूँ ट्रिप करने, बहुत दिन से मुझे शौक भी था भाई एयरपोर्ट घूमने का, एक्सप्लोर करने का, तो ये मकसद हम लोगों का ज़्यादा एयरपोर्ट घूमने का है। और साइकिल से क्यों जा रहे हैं, ताकि हम लोग प्रमोट कर पाए साइकिल कल्चर, बहुत ज़्यादा शौक है मुझे यार, भले ही मैं ब्लॉगर हूँ रैपर हूँ लेकिन एक राइडिंग वाला भी मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है, एकदम मज़ा आता है एकदम फुल टॉप। एंड यस बॉयज, हम लोगों का कोई ये मकसद नहीं है कि हम लोग रूटीन ऑफ नेपाल बंद में आए या कोई रिकॉर्ड तोड़े या किसी का भी रिकॉर्ड ब्रेक करें, जस्ट हम लोगों का शौक है भाई, दिल से इच्छा है कि ऐसा साइकिल ट्रिप करें, लॉन्ग ट्रिप करें, दैट्स इट। हमरो प्यारो नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, यहाँ नेपाल के झंडा लगा रहे हैं और ये पूरा ब्लॉग मैं हिंदी में ही करने वाला हूँ। नेपाल का लौंडा, एज यू नो ऑल, यस नेपाल का लौंडा, यहाँ पर सारे लोग हैं नेपाल का झंडा लगाते हैं, क्योंकि कभी भी जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े ट्रैवलर्स और बड़े बड़े राइडर्स यहाँ पर ऐसे लगा के जाते हैं, पूरा फुल वाइब के साथ जाते हैं, फुल ट्रैवल वाला फील करके जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग लगा रहे हैं। रोला निकल गया है भाई चौक बाजार से हमारा, तीनों लोग एकदम खतरनाक फुल मूड में जा रहे हैं भाई। शंकर भगवान की जय बोल भाई, जय बोल। चलो घोड़ रखे आज अंदर, आ जाओ अंदर गोड़ रख लेते हैं यार, भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉय, बिकॉज यार उनके बिना कुछ भी सफलता हासिल नहीं होगा, भगवान को मानो आप लोग भी, हम लोग भी मानते हैं।
सो बॉयज़ हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से आशीर्वाद लेके भगवान जी का। अब हम लोग नॉन स्टॉपली चलते हैं, यहाँ से बर रही हैं वहाँ पर रुका जाएगा। एक घंटे बाद अभी 8 बजे की तरफ मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा लाइव, तो उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने के लिए हम लोग रुकेंगे और जहाँ जहाँ रुकेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। यार देखते रहना यार, मज़ा आने वाला है। गोप्रो नहीं है यार, बट गोप्रो वाली फीलिंग आप लोगों को आ रही होगी। देखो एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूँ, आईफोन 11 जो कि भाई का ही है। भाई तुम्हें पूरा रास्ता पता है ना? मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हम लोग ये पकड़ी और बरुइयाँ वाला रास्ता पकड़ रहे हैं, सामने से ही जाएंगे। और कोई भी रास्ता होता है ना शायद, दूसरा भी है? होता है, बट ये समय तो काफी भाई एक्साइटेड हो, एकदम खतरनाक वाला। तुम लोग एक्साइटेड हो बॉयज? भाई हर्षदीप तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि रात में 4-5 बार मुझे कॉल किया, उसके बाद आया भी। भाई रात को हम लोग साथ में गए थे वो लाने, क्या बोलते हैं, चौचो वगैरह या कुछ भी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है ना भाई, तो कुछ भी खुला नहीं होगा, होटल्स वगैरह एंड सब कुछ। तो थोड़ा खाली पेट जा रहे हैं घर से हम लोग। मैं तो खाया हूँ भाई, थोड़ा चाय पी लिया हूँ एंड टोस्ट खा लिया हूँ। तुम कुछ खाए हो? कुछ भी नहीं, ब्रश भी किया कि नहीं? यहाँ पर हम लोग जमुआर पहुँच चुके हैं, देख लो तौलिया वहाँ क्रॉस होने वाला है, इसके बाद शायद तौलिया नहीं पड़ेगा। अच्छा, आई मीन तौलिया हम लोग क्रॉस हो जाएंगे, मैनावा गांव में है। डीकी बटन हर्षदीप भाई तौलिया का सबसे पहला राइडर है, मतलब विली वगैरह हैं तो इन सब चीज का स्टार्टिंग इसी से हुआ था यहाँ पर तौलिया में। एंड देख लो इसीलिए एकदम फुल्ली प्रोफेशनल भाई, हेलमेट वगैरह एंड कितने कितने हजार का साइकिल है वो? साइकिल 45,000। हाँ, ब्रेक मेरा 12,000 का है। देखो बॉयज कोई फ्लेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, बस जो सत्य है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में अपना पूरा रिंग चेंज करा था। हाँ, 4,000 साइकिल का, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ साइकिल का? टोटल हो गया मेरा 60-70,000 ऐसे ही होगा। क्या क्या चेंज करा था भाई को खुद नहीं पता है भाई, देख लो इतना ज्यादा चेंजेस किया है, इतना महंगा साइकिल इसमें छोड़ दिया था कुछ रीजन के लिए, बट अब से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। देखो भाई को साइकिल वाला ग्रुप नहीं मिल पा रहा था, साइकिल ग्रुप वाले सब इधर उधर हो गए थे, बिखर गए थे, तो मुझे बोला था भाई, तो हम लोग कहें कि चलो साथ में चलो चलते हैं ना, मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है साइकिल का। सो वी केम, सोम को भी शौक था साइकिल वाला बहुत ज्यादा, वो सपोर्ट भी करता था बल्कि एक बंदे को, बट एक्चुअल में सपोर्ट किया भाई पर गद्दारी की है, तो मैं क्या कर सकता यार, इनका मैं हेलो आगे बनाता था गद्दारी की जाके भाई सपोर्ट भी करता था, सिनेमैटिक वगैरह भी ले देता, लेकिन वो गद्दारी कर दिया। ए बॉयज ए बॉयज रुकोगे नहीं वहां पर पेट्रोल भराने के लिए? पेट्रोल पंप ही बंद है यार, पेट्रोल कहाँ भरा जाए। अभी हम लोग आगे साइकिल में अपने पेट्रोल भराएंगे, हम लोगों की साइकिल पेट्रोल से चलती है। भरोगे कहाँ भाई, तुम्हारे में टैंकी नहीं दिख रही है? टैंकी नहीं है। तुम अपने टैंकी में भर लेना। भाई के हेलमेट में पेट्रोल भराता है यार, देख लो। मैं भी यार अपना वो वाला गॉगल्स पहनता हूँ। सो फर्स्ट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं है ना, लेकिन ये बस हल्का फुल्का ऐसा, ये निकालने के लिए देख लो, ये गॉगल्स लाया था MC Stan वाला, एकदम खतरनाक। अभी मैं ऐसा लग रहा हूँ कुछ, और अभी कुछ सेकंड में मैं चेंज होने वाला हूँ MC Stan लाइक डिसेंट बॉय द वेंस बनने वाला हूँ एकदम। ये मैं बंटा का भाई, ये मेरा चश्मा नहीं है, कैसा लग रहा है गाइस आप लोग डू कमेंट डाउन। एंड इसको देखो क्या लगा लिया, चलो चलो चलते हैं यार, हम लोग ब्रेक नहीं लेते हैं। तीनों लोगों का एकदम लग रहा है ना खतरनाक लल्लन टॉप। मेरे लिए तो मेरा यही चश्मा ब्रांडेड है भाई, जो कि मेरा खुद का ऑफिशियल स्टाइल है, और इसको ये वाला दे दिया, एक्सचेंज कर लिए। कैसा लग रहा है कमेंट करना बॉयज। हम लोग पूरा रोड छिका के चल रहे भाई, इधर एकदम लाइन से चलते हैं, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, तो कंटेंट मिल जाएगा मुझे। भाई कंटेंट से इम्पोर्टेंट जान है भाई, इसलिए लाइन से चलते हैं। एंड देख लो बादल वादल लग रहा है यार, कहीं बारिश वारिश होने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया यार, बट कोई ना भाई, भगवान जी साथ है हमारे, भोलेनाथ हमारे साथ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वी हैव रीच्ड धोनी। बॉयज इसमें हवा भराना है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जो भाई साइकिल दिया था उसमें हवा नहीं था। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं ये आईफोन में चार्ज लगा के रखने, क्योंकि चार्ज नहीं है उसमें ज़्यादा, 23% है समथिंग। ओ लॉल यार, यहाँ पर भी पेट्रोल पंप बंद है यार, कहाँ पर पेट्रोल भराया जाएगा बॉय? कहाँ पर पहुँच चुके हैं ये बरुइयां फूलने वाले हैं आगे? हम लोग कितना किलोमीटर कवर किए बताओ? हम लोग वही 9 किलोमीटर। अभी 9 किलोमीटर? हाँ। देखो अभी समथिंग आधे घंटे में हम लोग, आधा घंटा लगभग, उससे ज्यादा मिनट में हम लोग 45 मिनट में हम लोग ये 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। बरुइयां अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे जा रहे हैं, वहां पर शायद ब्रेक लिया जाएगा हम लोग कुछ खाने के लिए। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा, क्योंकि पेट खाली है ना, कुछ खाया नहीं है। सो फाइनली बॉयज हम लोग बरुइयां पहुंच चुके हैं, कोई भी होटल नहीं दिख रहा बॉय, कहाँ पर रुका जाएगा हम लोग? ठीक है,
तो और कहीं आगे चलो चलते हैं ना। एंड यस बॉयज, आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नेपाल में साइकिल राइडर का एक रूल होता है जो कि हर्षदीप भाई बताएंगे। हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको कोई भी पीस रोक सकता है। हाँ, साइकिल राइडिंग के लिए मतलब आप लोगों को हेलमेट कंपलसरी लगाना होता है, जैसे मैं और सोहम नहीं लगा के जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों को ये रूल पता भी नहीं था एंड एक्चुअल में हम लोगों के पास हेलमेट है भी नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या दिक्कत? नौ गियर पे। ओ भाई, कितने गियर वाला साइकिल है? नौ गियर। एंड मेरा है 7 गियर वाला। बर्रोइया क्रॉस्ड एंड पकड़ी आ गया बॉयज, ये चेक करो बंदर। हाय हाय, ढड्डू आगे जा रहा है, एक और आगे पकड़ी में। हनुमान जी है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। फोनवाना छीन ले यार, पिछवा आगे, भागो भागो भागो, जल्दी भागो भागो, आ गया आ गया। ये वाला पेट्रोल पंप खुला है यार, अभी आगे हम लोग पेट्रोल पंप पे प्रैंक करेंगे, आप लोग देखते रहो। क्या हुआ बॉय? हाँ यार, चलो देखते हैं, यहाँ आगे प्रहरी अंकल है, कहीं हम लोगों को रुका के लाइसेंस वाइसेंस ना मांगे यार हम लोगों के गाड़ी का कागज भी नहीं है यार। घर भूल गए? हाँ यार, घर पे बुला गए हैं ये साइकिल का कागज वागज, देखते हैं कहीं मामा रुका के हम लोगों को कहे ना कि गाड़ी का कागज दो। गुड मॉर्निंग अंकल। होटल इधर खुला है, चलो यहाँ पर कुछ खा लेता है यार, मेरा हल्का सा पेट दुख रहा है। तुम बोल लेते देखो होटल नहीं खुलेगा, मुझे पता था होटल वगैरह खुल जाएगा क्योंकि होटल का यही रूल रहता है, वो है अपना चीज़ जो लाए थे वो खाया जाए कि ये। हाँ यार, जो रखे हैं वो सब बाद में क्या पता काम लग जाए आते वक्त। नहीं, हम लोग कुछ चीज़ें लेकर आए हैं मतलब खाने वाला, रात को खरीद लिए थे, इसमें रखा है तो उसको नहीं इग्नोर करते हैं, यहाँ पर कुछ खाते हैं। अंकल, नाश्ते में क्या क्या है? शिमला जलेबी 3 जगह लगा दीजिए। चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑल राइट बॉयज, नाश्ता आ चुका है, चना जलेबी खाते हैं इसको, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। अभी हम लोग 10 किलोमीटर पे ब्रेक लिए हैं, समथिंग 11 किलोमीटर पे ना, हाँ 11 किलोमीटर पे ब्रेक लिए हैं, बट अब नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का है 15 किलोमीटर में हम लोग ब्रेक लेंगे, रुकेंगे नहीं रास्ते में, अभी पेट में भूख लगा था इसलिए रुक गए। बॉयज मुझे और भी भूख लगा यार, एक प्लेट में पेट नहीं भरा यार। तुम लोगों को लगे और भूख? एक और मंगा दो। अंकल अंकल, एक जगह और दे दो, चना और जलेबी। तुमको और खाना है? मंगवा लो। तुमको चाहिए बॉय? चाहिए तो बोलो, खाना है तो बोलो, चाहिए नहीं चाहिए? बोल भाई बोल, यहाँ पर बोल अभी जैसे मैंने ब्लॉग एंड किया तैसे बोल रहा भाई मंगा दो, अब खा ही लेते हैं पेट भर के। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ ऐसा शर्माने का नहीं भाई, ये सब परिवार है हमारे। डीके पल्टन, चेक मारो डीके पल्टन, इतना कम चना है यार, ये देखो, ये देखो दो जलेबी इतना बड़ा बड़ा है, बहुत टेस्टी है यार, खा के बताता हूँ मेरे यार कदी भाई बच्चे जैसे है, मैं खाता भी बच्चे जैसे हूँ। कैसा है? लन टॉप। तुम बताओ कैसा है? आप लोग यहीं पर आके खाइएगा नाश्ता और मेरा नाम लेंगे आप लोगों को तो 1% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चीटिंग करता है तू। बॉयज हर्षदीप देखो इतना चना वेस्ट कर रहा है। हे बॉय देखो, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्य देवता होते हैं, उसको कंप्लीट करो। खाओगे ना? नहीं खाओगे तो यहाँ देख लो, लोग देख रहे हैं। मैं अभी लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ ये बंदा खाया कि नहीं, ऐसा वेस्ट मत करो। आप लोग भी अगर वेस्ट करते हो खाने को तो मत करना, ठीक है? बहुत अच्छा लड़का है, एकदम डिसिप्लिन में रहता है। इसका लाइक वाले टीचर जितने देख रहे हैं, भाई को प्रैक्टिकल मार्क्स में कितना चाहिए 25 out of 25 कंप्लीट कर दिया। ऑल राइट के बटन, हम लोग खा के एकदम पेट भर लिए हैं, अब नॉन स्टॉप 15 किलोमीटर यहाँ पर चलते हैं। ये देखो हम लोगों का साइकिल यहाँ पर पार्किंग था एंड यार बारिश ना हो यार, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि बारिश ना हो यार, सभी मजा आएगा। चलो चलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। और अभी फिलहाल 8 बजने वाला है, देख लो 7:43 हो रहा है, फिर से अपना स्टार्ट कर रहे हैं 7:43 पे। भोकाल के लिए देखो मैंने हाथ में क्या लगा लिया, हैंकी बांध लिया, रैपर वाला स्टाइल, हिप हॉप हिप हॉप। हाँ आज सैटरडे यार, कौन सा स्कूल खुला है? ये देखो कोचिंग नहीं है वो है, स्कूल खुला है यार यहाँ पर जो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमेशा पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आओ यार, सैटरडे भी पढ़ाई होगा। ऑलराइट बॉयज, मेरा पिछवाड़ा दुखने लगा है भाई, एकदम बैठे बैठे। तुम्हारा दुखा है थोड़ा सा भी नहीं? एंड बॉय ये क्या पहन लिए हो, इसको क्या बोलते हैं? मेरा इंस्पिरेशन चाय ने दिया है। क्या नाम है? उनका नाम है अजीत बराल, वो वर्ल्ड साइक्लिस्ट है, तो मुझको ये मतलब उन अपना मन से पहना होते, वो मुझको गिफ्ट दिए, वो मुझको अच्छा लगा। हाँ ये कब दिए थे तुमको? हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना पहले आए थे तुम? हाँ। कहाँ दिए थे? इधर ही आए थे, टोलियों में आए थे। अच्छा, हमारा साइकिल
15 किलोमीटर ट्रैवल हो गया ना हम लोग का। ये देखो घाम ही निकल रहे हैं। सूरज दादा निकल जाओ यार, हम लोग अच्छा आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, एकदम सुबह सुबह चलेंगे, नियम फॉलो करके चलेंगे, उसके बाद जान का ध्यान रखते हुए। नहीं वो जल्दी कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, भैरवा में भाई का बहुत ज्यादा दोस्त का कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दिन में 90 किलोमीटर कवर करें, टोटल निकल जाए आज ही के दिन। हाँ आज सैटरडे है, इसलिए भाई आप आया ट्रिप पे। सो भाई थैंक यू सो मच यार, दिल से मोहब्बत है तुम। वही चीज जाने वाला, वही चीज यार। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गया क्या? अंकल ये कौन गांव है? हाँ सिसानिया, सिसानिया हाँ गांव है। अच्छा ये लबनी हुए, अच्छा लबनी चौराहा आगे है। नेपाल में बॉयज ये भी रूल है कि जब आप लोग अगर नेपाल का झंडा ऐसे यहाँ पर रखे हो, राइडर लोग रखते हैं, तो उसको हेलमेट लगाना कंपलसरी है, ये हर कोई फॉलो करता है, सब सेफ्टी लगाना पड़ता है। लेकिन तुम तो नहीं लगाए हो, सब सेफ्टी है। हाँ ये बात सही है, ग्लव्स नहीं है भाई, भाई के पास हम लोग तो कुछ भी नहीं है, नल्ले है भाई, बस साइकिल लेके जा रहे हैं। फास्ट फास्ट चलो बॉय, फास्ट फास्ट, वरना हम लोगों को लेट हो जाएगा। क्या ज्यादा है, थोड़ा स्पीड अब मैटर करता ना, 1 किलोमीटर। ये क्या यार, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ यार, ये तो गद्दारी है भाई, एकदम भगाओ। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। ये क्या इतने 1 किलोमीटर है क्या? नहीं यार वो ऐसे ही लिखा है, उल्लू बनाने के लिए लिखा है वहाँ पर। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम धूम। अले अले अले, मैं लबनी टच करने वाला हूँ, मैं लबनी टच करने वाला हूँ, देखते पहले कौन टच करता है। ओ यो पारा, विद्यालय क्षेत्र, गति सीमित, ज़्यादा स्पीड में मत जाना यार, लेकिन आज सैटरडे है बॉयज। ये वाले एरिया में मैं जब जय श्री राम वाला टोनेवा टू लबनी बाइक राइड निकला था, तो वहाँ पर हम लोगों के साथ गद्दारी हो गया था। आप लोग वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, बहुत ज़्यादा गद्दारी मेरे साथ हुआ है, प्रैंक हो गया था, चेक करोगे तो हंसी आएगी आप लोगों को, एक जय श्री राम वाला होगा देखना। बॉयज हम लोगों का ये लगा है ना, देखो आगे बैनर, इसलिए बहुत खतरा रिएक्शन आ रहा है वहाँ, देखो वहाँ से सब लोग देख रहे हैं। ओए ओए, मैं अभी हाथ छोड़ के चैलेंज कर रहा हूँ, और जैसे मैं गिरने लगूंगा, पकड़ने वाला टाइम आ जाएगा, मैं कैमरा बंद कर दूंगा यार, काम खत्म। काम खत्म बॉयज, आगे देखो बस आ रहा है, बस जैसे मैं लड़ने लगूंगा कैमरा बंद कर दूंगा, कैमरा बंद नहीं यार। चलो देखते हैं मैं कहाँ तक जाता हूँ, कहाँ समझ आते हैं, कॉपी नहीं कर रहा हूँ यार, जस्ट मैं भी फन कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लेना ये कोई भी चीज़। मैं रिएक्शन चेक कराता हूँ, वो देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हेलो बॉयज, हाय करो। हेलो हेलो ब्रो, देखो सारे रिएक्शन चेक करो, देख रहे हैं। ओ भोए, मैं भी समझ नहीं पकड़ा हूँ, ऐसे कर गिर जा रहा था, अरे बाप रे पकड़ना पड़ा, अरे बाप रे। मोगला 4 किलोमीटर। बॉयज एंड गर्ल्स, ये बंदा भी देखो हाथ छोड़ के चैलेंज कर रहा है। अरे भाई साहब, कहाँ से मैं करोगे बॉय? वारिया ना बाहर आए पड़े बेटा तुम। हाँ 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 हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आने वाला। मेरे को हल्का हल्का पंजाबी समझ में आती है भाई, थोड़ा थोड़ा में। नेपाल का लौंडा बर्बादी के धंधे पे, बस्ते की जगह की तार इसके कंधे पे, लौंडियों की तरह है बाल इसके लंबे से गंदे थे, सारे इसके साथ में जो बंदे थे, फंडे से अकेला तो कुछ दिन रुकेगा। हाँ अच्छा, विली विली मारो थोड़ा बहुत, मेरे पब्लिक को दिखाओ ना, डीके बटन को कुछ दिखाओ। बहुत ज़्यादा दिन हो गया भाई, मेरे एज 18 सॉन्ग में मारा था यही विली, मारा था हर्षदीप। ओ वाओ, लल्लन टॉप मेरा भाई।
अरे 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 बाप रे, गड्ढा में खुदा दिया, बाप रे। अरे भाई साहब गड्ढे गड्ढे है, देख लो आप लोग, गड्ढे से बच के चलो बॉयज, वरना तुम लोग भी कूद जाओगे। हाँ अले अले, ये भी बंदा कुछ ट्राई कर रहा है, रामदेव बाबा वाला पोज मार रहा है। अरे 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 रुको, रामदेव बाबा वाला पोज, रामदेव बाबा। तो हमको भी विल्ली मारना आता है थोड़ा बहुत, किसी ने सिखाया था नहीं वो है। प्रैक्टिस कर रहा था भाई। हाँ हाँ, लेकिन एक तरह से मानो तो तुम जब जा रहे थे सपोर्ट करने, तो तुम्हें शायद वही सिखाया बंदा ना, क्रेडिट देना पड़ेगा, रियल रियल होना पड़ा। हाँ मतलब देख देख के सीख गए थे तुम, इसमें बोला है भाई कि गियर नहीं है, आई मीन चेंज नहीं हो रहा, नहीं तो ये भी विल्ली मारता। Listen, boy. The Vans son. Straight from Kapilvastu. I'm not a kid. Let me tell you. Like yo. Boom, 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 boom. AJ 18 और पेशे से हूँ मैं कलाकार, छोटा सा बच्चा नहीं मैं बन जाऊँ तेरा सलाहकार। खिसते हैं टांग बोलते बाप को तू कोड़े मार, फिर भी अटक के रहना नहीं मुझे है जाना पार। ऐसे 18 और पेशे से हूँ मैं कलाकार, छोटा सा बच्चा नहीं मैं बन जाऊँ तेरा सलाहकार। खिसते हैं टांग बोलते बाप को तू कोड़े मार, फिर भी अटक के रहना नहीं मुझे है जाना पार। थोड़ा ब्रेक लिए भाई पानी वानी पीने के लिए, और ये भाई नीचे कर दो यार, साइकिल एक्सचेंज कर रहे हैं, सोम जा रहा विल माने, आप लोग सिनेमैटिक में चेक मारना, मेरा हाइट ही बहुत छोटा यार, ये लंगोड़ा हो गया है। पानी लाओ भाई मैं भी पीऊँ। थक गए एकदम, स्पीड अप कर दिए ना हम लोग अचानक से, इसीलिए विली मार दिया ना। हाँ भाई ने विली मार दिया यार, लास्ट बार ये शायद एज 18 में मारे थे ना। स्टैमिना जरूरी है भाई, वैसे एकदम गर्मी नहीं है, ठंडी आने वाला है, बट गर्मी लगती है भाई, साइकिल राइड कर रहे हैं ना इसीलिए। भाई का साइकिल तो और भी कंफर्टेबल है यार, भाई का साइकिल वो वाले से बढ़िया है भाई, एकदम लल्लन टॉप। बहुत जन का 2 मिनट का भी जस्ट ब्रेक लिया गया है क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहा था, जस्ट अभी मेरा ब्लॉग लाइव हुआ है, ये देखो थक गए भाई, हल्का फुल्का थक गए हैं ये लोग, लेकिन मेरे में भाई एकदम एनर्जी बरकरार है। डिसन बॉय द वैन सब कुछ कर सकता है, और आप लोग ये मत कहना भाई ब्लॉगर हो के रैपर हो के ये क्यों कर रहे हो क्या, साइकिल राइड एक पार्ट है ना। हाँ ये ब्लॉगिंग का एक पार्ट है, मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग से स्टार्ट ही किया था, सिद्ध बाबा डैम से, सिद्ध बाबा ब्लॉग से, बुटवल से, बाकी मुझे बहुत ज्यादा शौक है यार, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जय नेपाल, जय नेपाल, हमें नेपाली हूँ भाई, देखो नेपाल का फ्लैग मैंने अपने एकदम बॉडी पे कर लिया भाई, एकदम प्राउड फील हो रहा है, आई एम नेपाली, आई बिलोंग टू नेपाल, मतलब नेपाल हमारा मदरलैंड है। एकदम कड़क धूप हो गया है, ये देख लो यार, टाइम हो रहा है अभी फिलहाल 9 बज गया है, एंड हम लोग पहुंच चुके हैं परसा चौराहा ना, लुम्बिनी वहीं पहुंच चुके हैं, परसा चौराहा भाई आगे, लुम्बिनी आगे है। सो बॉयज फाइनली वी हैव रीच लुम्बिनी, ये चेक मारो आप लोग, लुम्बिनी पहुंच चुके हैं यार, एंड टाइम हो रहा है अभी 8:50 समथिंग, देख लो देख लो देख लो, आ जाओ बॉयज आ जाओ, लुम्बिनी पहुंच चुके हैं। कितना किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर ये नहीं, कितने किलोमीटर हो गया ये हम लोग कवर किए टोटल, 24 किलोमीटर कंप्लीटेड, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अब जितना हम लोग यहाँ पर आए हैं समथिंग 24 किलोमीटर यहाँ से अभी भरावा लेफ्ट है, और अभी हो रहा है टाइम 9, यानी कि हम लोग कितने बजे तक पहुँच जाएंगे, लगभग 2 घंटा, अभी 2 घंटा और भी लगेगा हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचते हुए, यानी कि इसका डबल मेहनत करना पड़ेगा बॉयज, चलो भगाओ यार, लेट्स बूम बैंगर्स। अदर बॉयज रेस करते हैं, पहले कौन पहुंचता है वहां, 3, 2, 1। अरे यार मेरा एक हाथ भी जी है ना, देखते हैं ये दोनों में पहले कौन पहुंचता है, मैं भी ट्राई करता हूँ यार, वो परसा बोर्ड वहां तक पहुंचना है, और ये हर्षु जीत गया बॉय, हर्षु जीत गया, कॉन्ग्रेट्स बॉय कॉन्ग्रेट्स। यही एरिया है जहाँ से मेरा ब्लॉगर वाला करियर का स्टार्टिंग हुआ था, सबसे पहले ब्लॉग बनाया था मैं, यहाँ का सिनेमैटिक वगैरह बनाया था, वहाँ पर बनाया था, इतना पूरा एरिया है, आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हो, बुटवल से बाबा डैम ब्लॉग। सो थोड़ा रेस्ट इधर करने का मांगता है अपन, भगाने की वजह से यार सांस वास फूलने लगती है। हाँ लेकिन तुम साइकिलिस्ट हो के यार इतना जल्दी जल्दी थक जा रहे हो, और मैं पानी 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 इधर हो, यही सब खाओगे, इन्फ्लुएंस करोगे, यही गलत इन्फ्लुएंस करोगे,
नॉनसेंस। पानी लाओ, इधर लाओ, इधर हो, इधर हो। यहाँ पर हम लोग पानी वानी लेके चले थे, उधर उधर साइड है यार, यहाँ आए। तुम्हें लाओ क्या पानी? पानी ले दो, ठंडा। अच्छा हाँ, एक ठंडा पानी ले लो कहीं से, चलो आ जाओ। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं आप लोगों को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग यार। पहाड़ों से भी मोहब्बत है, अगर पहाड़ों पर राइड करने की मिले तो और भी खतरनाक सीन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा यार। लल्लन टॉप। गद्दारी कर रहे हो, पानी अकेले पियोगे? सारे गद्दारी कर रहे हो, तुम भी गद्दारी करोगे यार? प्लीज़ बॉयज़, आप लोग गद्दारी मत करना डीके बटन मेरे साथ, बिकॉज आई हेट द गद्दार्स, आई डोंट लाइक द गद्दारी। डीके बटन, हम लोग पानी का पैसा देना भूल गए थे, मतलब भाई भूल गया था पैसा देने के लिए, तो हम लोग वहाँ उतना दूर अभी गिर जाता, उतना दूर पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा दूर, लेकिन हम लोगों को याद आ गया, भाई को याद आ गया, तुरंत हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए वापस करने के लिए, पैसा देने के लिए। वो क्या लियो बॉय? चिप्स। तुम ही खाना भाई, मेरा तो पेट भरा है। ईमानदारी से हम लोग चलते हैं भाई, अगर इनका पैसा हम लोग आज खा लेते हैं तो कभी ना कभी कहीं से भुगतान ही करना पड़ता, इसलिए ऑनेस्टली हम लोग आके दे दिए। जैसे लग रहा है यार आगे झबिया लगा है, झबिया में ये लगा है पोस्टर, वैसे ही फील आ रहे। क्या हुआ बॉय? लाओ मेरे को भी खिलाओ, बाट बाट के खिला रहे हो, चलो वही वाला ट्राई करते हैं। हाथ छोड़ के चैलेंज, चिप्स खाने का चैलेंज। ठोक दोगे क्या बॉय? अरे भाई मुझे डर लग रहा है यार, पता नहीं, कैमरा बंद कर देता हूँ। गड़ाम गुजरे हो क्या? तब से पनिए पिए थे मर्दे, पानी नहीं चाहिए। लो खिलाओ, खाता हूँ। ओ डैम बॉयज, ये चीज ना पिछवाड़ा एकदम लाल कर दे रहा है यार। सच्ची में यार बब्बाने लगा। थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं, हल्का सा एकदम। एयरपोर्ट बहुत नजीक है यार, पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर नेपाली प्रहरी, नेपाली मामा का गाड़ी खड़ा है, रमुआपुर। 1 किलोमीटर बाकी है बॉयज यहाँ से रमुआपुर, एंड ऐसे हमें ब्लॉगिंग अर्सम, ब्लॉगिंग अर्सम यूट्यूब में अर्सम साइकिलिस्ट राइडर होंगे भाई। हजूर हजूर, पैसा कम अहिले अर्निंग भाई छैन, स्टार्ट भाई छैन, अलिअलि हुन्छ अहिले। वॉच टाइम भनेको क्राइटेरिया पूरा भयो छैन। हजुर स्कर्ट गर्नु पर्छ? स्कर्ट भनेको बुझेन, नै भइहाल्छ अङ्कल। थ्याङ्क यू अङ्कल। ल अङ्कल बाबा, बाबा अङ्कल। हजुर हजुर, हामी म त गाएको त्यो चाहिँ हो, सेवा गर्छु, गाएको चाहिँ अरू भन्छु, आफू गाना पनि बनाउँछु, म सिङ्गर ऱ्यापर हो। ल ल अङ्कल बाबा। ये ब्रिज देखो मेरा भाई, ये ब्रिज चेक करो, डीके बल्टन कितना खतरनाक है। वो देखो अभी आधा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और काफ़ी मज़ा आ रहा भाई। अभी एयरप्लेन जा रहा था, दिखाने को नहीं मिला, आगे दिखाते हैं। हम एयरपोर्ट पे ही जा रहे हैं, सीधे अड्डे पे हम लोग जा रहे हैं। वो पुलिस अंकल बोल रहे थे स्कॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं स्कॉर्ट क्या बोलते हैं, स्कॉर्ट मतलब तुम लोगों के पीछे आना पड़ेगा, तुम लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए कि नहीं। अच्छा मस्ती कर रहे थे कि वैसे पूछ रहे थे सीरियसली? पुलिस अंकल भी हम लोगों से मस्ती कर रहे थे। तो बॉयज हम लोग रूपनदेही लुम्बिनी से ही एंटर हो चुके थे, आप लोगों को बताना भूल गया था, हम लोग रूपनदेही में हैं करंटली। रूपनदेही का भरावा हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा, वहाँ पर जाके आप लोगों को एक्सप्लोर करना रहेगा। 45 किलोमीटर टोटल वहाँ का डिस्टेंस था तोलेवा टू भरावा, बट रिटर्न भी होंगे तो इसलिए 90 किलोमीटर टोटल कवर करेंगे। बॉयज आप लोगों का डिमांड आ रहा है कि क्यों नहीं रिसेंट बॉय दिव्यांश का सॉन्ग आ रहा है, तो भाई आप लोगों को बता दें नवरात्रि में मैं जा रहा हूँ आईफोन लेने। आईफोन लेने के बाद मैं तुरंत ही फर्स्ट सॉन्ग पे काम करूंगा, जिसका नाम है रोल कैमरा एक्शन दी डीके पल्टन सॉन्ग, जो कि मेरे चैनल पे दिव्यांश का सदन पे पड़ेगा। आप लोगों को ये वाला बॉम्ब फोड़ दिया हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। ओके बॉयज, यहाँ पर हम लोगों को एक अंकल मिले हैं। हजर अंकल, वीडियो में मीडिया वाला हो क्या? हजर मीडिया वाला हूँ। कौन चैनल? कौन अंकल? खबर अनिल तिवारी वाली ध्रुव। अच्छा तो अंकल मीडिया वाले हैं, तो हम लोगों का फोटो खींच रहे हैं कि वीडियो दोनों बनाएंगे? अच्छा दोनों, हाँ ठीक है। चैनल का नाम भी डाल दीजिएगा, दिव्यांश का सौदन है, ब्लॉगिंग करते हैं, देख लो ये मीडिया वाले हैं। हाँ जी, कहाँ तक प्लान है? बहरावा एयरपोर्ट। नहीं नहीं, आप यहाँ पर देखिए ना, कपिल वस्तु टू रूपन नहीं है ना, तो 45 किलोमीटर है। हाँ। तो आना जाना दोनों साइड 90 किलोमीटर, आना जाना दोनों रहेगा तो 90 किलोमीटर हो गया है।
एक दिन में आप सब वो रखे हैं? एक ही दिन में हम लोगों का टारगेट है, रिटर्न भी होंगे शाम को, सुबह हम लोग 6 बजे निकले हैं और मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ। 90 किलोमीटर साइकिल एक दिन में बाबू में पति हिम्मत राखे रहा आज वहाँ बड़ा हिंदू भाई था कपिल वस्तु बाटा हम लोग से कपिल वस्तु और हम लोग के रूपनदेही एयरपोर्ट जाए भैरवा एयरपोर्ट हाँ एक्सप्लोर करे जाए हिम्मत देख के शुक्रिया अंकल चिंता से आप सब साइकिल यात्रा कर जाता 90 किलोमीटर हाँ अंकल मनोबल र जागर बढ़ो त्यस पछि उहाँहरु बढ्दै जानुहुन्छ मलाई लाग्छ एक दिन में 500 किलोमीटर पनि उहाँले गर्न सक्छ खबर गर्छम अंकल अलि सपोर्ट पाइन्छ मेरो च्यानलको नाम दिव्यांशको शोधन हो हजुरहरु जति पनि दर्शक हेरि राख्नु भएको छ गएर हामी ब्लग बनाउँदै आएछौँ हामी युट्युबर पनि हो त मेरो च्यानलको नाम हो दिव्यांशको शोधन हजुरहरु सब्सक्राइब गर्नु होला र यो वाला भिडियो त्यही आउँछ वहीँ जाके आप लोग देख लेना ओके अंकल थैंक यू अंकल ओ माय गॉड मीडिया पे हम लोग छा गए हम लोग ऐसे जा रहे थे ना तो वो अंकल ऐसे रुका के हम लोगों को बोले भाई हम मीडिया चैनल वाले हैं हजुर अंकल हजुर चैनल सत्य खबर चैनल टीवी में बनी आऊँ टीवी पे अब हम लोग आएंगे बॉयज अरे बाप रे 90 किलोमीटर राइड कर टीवी पे हम लोग आएंगे भाई साहब चैनल वाले यार एकदम हम लोगों को देखे बोले रुको 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 ऐसे जा रहे हैं मनोबल बढ़ाए हम लोगों को आशीर्वाद दिए ये बारा हुर्रे हुर्रे बॉयज इसी खुशी में दबाओ इतनी खुशी आप लोगों को मैं एक पिंड कमेंट में वो नाम बता दूंगा चैनल का मुझे भी नहीं पता है चैनल जाके घर पे विजिट करूंगा कम से कम हम लोग चैनल पे तो आ गए यार यो बारा बहुत खुशी हो रही है भाई देखे कि हम लोग चैनल पे आ गए यार मैंने अपने चैनल का नाम भी बता दिया वहाँ पर सब्सक्राइबर वहाँ से आएंगे बॉयज हम लोग दूसरे पुल पे आ चुके हैं हाँ देख लो यहाँ पर भीड़ हो गया ट्रैफिक लग गया यार ट्रैफिक पुलिस अंकल से पूछते हैं एयरपोर्ट कर अंकल एयरपोर्ट कति किलोमीटर छ कति लगभग होला 2 किलोमीटर हेलो Our destination is here, boys. वो क्या है boy? Airport. गोदाम है ये इतना बड़ा अच्छा हाँ ये इंडस्ट्री का गोदाम है भाई पहले मैं जब यहाँ से बस से जाता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि सोचता था कि ये एयरपोर्ट है यार लेकिन एयरपोर्ट बहुत ज्यादा नजदीक है हम लोग पहुँचने वाले हैं जस्ट ओ माई गॉड यार ये देखो ख्वाब है यार कि कब मैं एयरप्लेन खरीदूँ भाई सबसे पहला स्टेप है उसमें बैठने का बैठेंगे भी बादलों के बीच में चला गया बॉयज हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे प्रैंक करने आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखो आप लोगों से वादा किया हूँ तो करना तो पड़ेगा ना यार डीके पलटन अंकल 5000 को पेट्रोल हाल देने साइकिल माँ तिंटे माँ हाल देने सर 5000 को तीन टाइम हाल देना साइकिल वाला पेट्रोल चाहिए ना दूसरे का इंडिया में ला 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 सो प्रैंक डन एकदम राम रो जैसे हमें कपिल वस्तु टू रूपन दही हजुर लदाए हमें भाई बॉयज वो देखो एक एयरप्लेन वहाँ पर टेक ऑफ करने जा रहा है वो इधर ही जा रहा है यार बहुत क्लोज ये देखो ये थी एयरलाइंस अभी टेकअप करने जा रहा है देखते हैं हम लोग कैसे टेकअप करता है थोड़ा रुक के एयरपोर्ट आ चुका है फाइनली अरे टेकअप करो मर्दे कहाँ से मैं घिस रही बहु टेकअप करो हैं लगता है प्लेन में कोई दिक्कत आ गई भाई प्लेन वाला ब्रेक मार दिया है
कहाँ से? प्लेन घुमा लिया भाई, वापस जा रहा है, लगता है कुछ सामान वामान छूट गया होगा, लाने जा रहा है। बक गधे, प्रैंक कर दिया यार फ्लाइट वाले भैया। ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर वाले अंकल, उड़ाओ मर्दे, वीडियो बनाई थान उड़ाते नहीं है यार। वापस एयरपोर्ट ले जा रहे हैं क्या यार? अच्छा साला हम लोगों के साथ प्रैंक हो गया, ये लगता है लैंड हुआ है। ओके बॉयज, फाइनली हम लोगों का डेस्टिनेशन कंप्लीट हुआ, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 12-26 किलोमीटर है, चाहे तो वो भी कवर कर ले, लेकिन बाद में आएंगे। बॉयज बॉयज बॉयज, हमें स्ट्रेट फ्रॉम कपिल वस्तु, स्ट्रेट फ्रॉम कपिल वस्तु। अरे अरे मैं कहाँ रुक गया था यार, चेक मारो भाई, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंदर देखते हैं हम लोगों को जाने देंगे या नहीं, जैसा होता है दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इसको ब्लॉग एंड करते हैं यार। आई नो आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो यार, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, दिल से मोहब्बत, पारा। मुझे बहुत बड़े नहीं पर माने नहीं, गिरा दीछे मुझे पर कौन जाना नहीं, मालूम था मालूम है क्या क्या बताया, पर आज तक कभी उन्हें वादा नहीं, माना नहीं, जाना नहीं, वहाँ पर इज्जत नहीं, जहाँ पर माने सिखाया तब हिम्मत कहाँ पर।